दा रीजन इयै बने कश्मीर बिच बी असें वोट लभगन असें सीएम बनगन एकड़े खाब कड्ढी ओड़ो दमाका बिच अपने सीएम बनना तुसें नहीं अगर ए वोट आस्ते गल करे करदे न कि वोट पाने आस्ते असां उन्हें ज्यादा सीटा देनी है इत्थे घट देनी है एदा मतलब एदा करप्शन है अगर कुछ पाने आस्ते है तुसें कुछ देना तां ओदा करप्शन होई ना ए करप्शन है महाराज डेली वेजर का मसला बीएसएफ सीएसएफ का मसला तो दो साल बाद सीएम बन गए जेडे जात ने जिंदी मेरी एज हुई महाराज इस पर चक्रे 2018 च लिस्ट निकली ओहदे बाद हुण 2021 लगी है माड़ी एज होई गई इत्थे बड़े सारे मुड़े जिंदे बेचारे एज खत्म होई गई कुत्थां मत्था मारना असें हुण दी है ना असें कौन भर्ती च बन देना ना कोई होर कैसे अप्लाई नहीं करदे महाराज खज्जल करी लैने असीं इ'यै 4 सालें च तो इक साल रिजल्ट कड्ढदे असें होर कुसै भर्ती मत्था मारदे इन्हें कोई भर्ती नहीं कड्ढी 2016 च भर्ती कड्ढी ओह्दे बाद 5 सालें इक भर्ती कड्ढी इन्हें कि केह्ड़ी गौरमेंट आई असें नौजवानें नौकरियां देनियां असें डोमिसाइल बनाई लिया 50,000 नौकरियां आई गेइयां कुत्थां ना 50,000 नौकरियां माए 5,000 नौकरी दे दिओ लोकें गी आह इत्थे पूरे फिट होने बावजूद भी आह घर बैठे दे आं हालांकि अस केड़ी आंदे वाला आलीशान नौकरी मंगे आं उत्थे बाडे ने खड़ोइए केवा कुन्ना ठिचू करी ना अगर ये कल तक आपका मसले को नहीं देखते हैं जो आप बोल रहे हो कि लोग और भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए तो उसका नतीजा गवर्नमेंट जिम्मेवार है इसकी गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी सिर्फ हम ही नहीं जो नए भर्ती देखने वाले लड़के हैं जो अगली रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बैठेंगे क्योंकि हम नौजवान को जगाएंगे क्योंकि ये झूठा वादा देते रहेंगे गवर्नमेंट लोगों को हम उनको जगाएंगे उनके साथ जाएंगे जब ये इलेक्शन में जाएंगे तभी भी हम उनके इनके खिलाफ खड़े होंगे और दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे हम इनको बता देते हैं कि अगर इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया हम बीजेपी के सपोर्टर थे पहले आज भी हैं लेकिन अगर ये हमारा मसला हल नहीं करेंगे आने वाले इलेक्शन में इनको बता देंगे कि हम क्या चीज़ है और ये वोट लेने कहाँ जाएंगे हर रैली में इनको बताएंगे जंडियाल में रैली हुई थी हमने बताया था इनको कि हम इनके खिलाफ कठुआ में रैली हुई हमने इनको तब भी बताया इनके अनुराग जी हैं कठुआ में युवा मोर्चा युवा को जोड़ने की बात करते हैं इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि युवा आज सड़कों में है आप युवा कहाँ जोड़ रहे हो पहले ये युवा जोड़ो ये युवा कहाँ जोड़ना अपनी ये कोई बूढ़ा है ये भी युवा है बूढ़ों को आप साथ रखते हो उनको वो देते हो जब ये रिटायरमेंट आ जाते हैं इनको पेंशन देते हो जो हमारा जवान बॉर्डर पे खचल हो रहा है उनको ये क्या कर रहे हैं उनको कोई पेंशन नहीं कोई कुछ नहीं अगर ये एक बार इलेक्शन जीत जाते हैं ना इनको पेंशन लगती है पूरी उम्र के लिए ये काम क्या करते हैं गवर्नमेंट से मोबाइल का खर्चा लेते हैं गाड़ियों का खर्चा लेते हैं हर चीज़ का खर्चा ये लेते हैं लेकिन ले जाता कहाँ है हमारी लोकल जनता से जाता है इनको ये नहीं पता अगर जनता इनके खिलाफ जा रही है तो गवर्नमेंट को जनता के बारे में सोचना है ना कि अपने बारे में ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं अपने मोबाइल बिल के बारे में सोचते हैं और अपनी आलीशान जिंदगी के लिए सोचते हैं ना कि आम जनता के लिए मेरा जितना भी जम्मू का यूथ हमें देख रहा है आज हम 35 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए तो ऐसा ना हो आपको पूरी जिंदगी ऐसे बैठना हो अगर जम्मू का यूथ हमारी बात सुन रहा है तो एक बात ध्यान में रखना ये अगर ये भाजपा सरकार मसले हल नहीं करेगी तो इनका विरोध करना जरूरी है भाई ये नहीं तो पूरा जम्मू कश्मीर पूरा इंडिया खा जाएंगे लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा बाद में बोलेंगे अगली सरकारें आएंगी ये बाकी वालों को बोलते हैं कि उन्होंने 70 साल में ये किया 70 साल में ये बेचा अभी सारी दुनिया को पता चल रहा है कि ये दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं जम्मू के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कभी हमारा मैरिट 40 से ऊपर 50 के ऊपर नहीं गया आज के टाइम में 90 का मैरिट गया जनाब वो भी 10वीं पास भर्ती के लिए इतना तो आईपीएस में इन्होंने हमें बनाना नहीं है अगर आईपीएस में होता वहाँ पे भी 60 का मैरिट जाता भाई जी लेकिन यहाँ पे 90 का मैरिट ले रहे हैं ये बोल रहे हैं नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं ये ऐसे हैं ओ भाई जी 90% का मैरिट अगर नंबर आ भी गए लेकिन उनका तो देखो जिन्होंने 70-80 नंबर लिए हैं वो भी तो उन्होंने भी पढ़ के लिए हैं उनको ऐसे थोड़ी ले लिए हैं उनको आपने रखा हुआ है ये नहीं है आपने उनको बाहर निकाला है जहाँ तो उनको बाहर निकालो उनको पहले ही बाहर निकाल दो कि हमने 90 का मैरिट उठाना था हमने उठा लिया बाकी वाले बाहर रहो इनका दिलासा दिया रिटर्न पास करवाया फिर मेडिकल लिया उसके बाद ये वहाँ पे बोलते हैं आप रिजेक्ट हो गए हो तो एक चीज़ बता दो जिसमें हम रिजेक्ट हुए हैं फिजिकल हमने नहीं किया रिटर्न हमने नहीं किया अगर इन्होंने 2000 पोस्ट नहीं दी थी तो फिर उन्होंने 3300 लोगों को क्यों बुलाया वहाँ सर ये गवर्नमेंट का खर्चा करवाया इन्होंने अगर ये ऐसा हो ही नहीं सकता सर आप लॉ में देख लीजिए अगर बीएसएफ पैरामिलिट्री कोई भी भर्ती करती है उसमें 10% 15% ज़्यादा से ज़्यादा 15% लड़के बुला सकते हैं ये मेडिकल के लिए उसमें जो अनफिट होंगे
1-2% के लिए अंकित होंगे, जो रह जाते हैं वो ठीक है, लेकिन 1300 पोस्ट के लिए 3100 लगता है।